गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं अंतरा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली खुश होंगे, है ना। तो मॉर्निंग का टाइम है, मैं ना वहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा मोड़ा मेकअप करने के लिए। चलिए करते हैं फटाफट मेकअप, जो मेरी डेली की मेकअप है वही मैं कर रही हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं ना। मैंने पहना है अपनी ये वाली साड़ी, इसका ये ब्लाउज नहीं है, इसका ये ब्लाउज इस टाइप का जो टेलर के पास गया। मैं यहाँ पे रेडी, मैं अपने हेयर को ठीक नहीं किया क्योंकि अभी मैंने किचन में मुझे मतलब ये करना है, चावल चढ़ाना है। तो आप ये बाल्टी देख रहे हैं ना, ये बाल्टी मंदिर जाने के लिए है, जो भोग लगा था ना उसमें, मतलब मंदिर जाएगा भोग के, भोग दे के उस बाल्टी में आया था जब काली मंदिर का है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा जल्दी से चैनल पर जाके मेरी वीडियो देख लीजिए। फटाफट मुझे भी चावल चढ़ाना है इसलिए फटाफट चावल बनाते हैं। तो सिर्फ अभी लंच में चावल बनेगा, मटन को गरम कर लूँगी, गरम हो जाएगा। सो चलिए, और सर आप सब बताइए कैसे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आजकल। मैं ब्लॉगिंग मतलब दो तीन दिन के बाद कर रही हूँ, दो तीन दिन के गैप के बाद मुझे थोड़ा सा एक्चुअली मैं बताऊँ, मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए था। आप लोग का बहुत का रिक्वेस्ट रहा था हैंकी टक करने के लिए, तो मैं फटाफट हैंकी निकाल लेती हूँ हैंकी टक करने के लिए। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास कॉटन का हैंकी मैंने अभी तक नहीं लिया है, बट मेरे पास जो ही हैंकी है मैं उसी में हैंकी आपको टक करके दिखा, हैंकी टक कर लेते हैं। आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी हैंकी टक करने के लिए, तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो मेरा हैंकी है ये तौवे वाला हैंकी है, ये कॉटन हैंकी नहीं है। आप सबके रिक्वेस्ट के हिसाब से कॉटन हैंकी था कि कॉटन हैंकी को टक करने के लिए, बट मेरे पास कॉटन हैंकी नहीं है तो मैं कैसे टक करूँ। बट मैंने सोचा है कि मैं मार्केट जाऊँगी तो कॉटन हैंकी ज़रूर लूँगी। कभी कभी होता है कि हम कुछ चाह के नहीं ले पाते हैं, तो वही प्रॉब्लम मेरा हो रहा है कि मैं चाह के कॉटन हैंकी नहीं ले पा रही हूँ, मतलब जो कॉटन का जो रुमाल होता है वो नहीं ले पा रही हूँ। तो चलिए मैं आज इसको इस तरीके से हैंकी टक करूँगी। उस दिन आपने कहा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने फोल्ड वाला हैंकी टक बोला था। तो चलिए जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ये आहा, एक मुझे आया था कि आप डबल हैंकी टक कीजिए, मेरे पास डबल हैंकी है तब तो टक करूँगी, मेरे पास एक ही हैंकी है क्योंकि मुझे बहुत जाना आना कम होता है। जो भी जाना होना होता है, बाबू का हैंकी अलग रहता है, राहुल जी का हैंकी अलग रहता है, मुझे उतना हैंकी का जरूरत ही नहीं रहता है। सो चलिए यहाँ पे ये हुआ हैंकी। देखिए हम हाउस वाइफ्स और हैंकी टक करके भी काम, ये देखिए हैंकी टक करके भी काम कर सकते हैं, हम मोबाइल को भी टक कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं आपको मोबाइल टकिंग भी दिखाऊंगी क्योंकि आप सबका रिक्वेस्ट भी था मोबाइल टकिंग के ऊपर, बट अभी मैं हैंकी टक करके दिखा रही हूँ। मोबाइल टकिंग में जरूर दिखाऊंगी, अभी अगर मोबाइल पास में तो जरूर दिखा दिए। देखिए यह है, हम चाहे तो साइड में मोबाइल को भी टक कर सकते हैं। मैं एक सेकेंड फोन लेके आती हूँ, कोई बाहर जा रहा है तो लाइक इस साइड भी हम, ये साइड जो है ये साइड भी हम अपने फोन को टक करके ऐसे, देखिए इस बार ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमारे अपने अपने फोन को टक कर लिया और इस तरीके से कर सकते हैं। हम अगर किचन में खाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं और स्लेब्स के ऊपर सोचते हैं, काउंटर टॉप के ऊपर हम मोबाइल ना रख के, एक सेकंड छोड़ना, काउंटर टॉप के ऊपर हम मोबाइल नहीं रखना चाहते, तो इस तरीके से इस साइड में रखना होता है, क्या है बार बार झुकना होता है। तो हम ये साइड मोबाइल के लिए मैं रेफर नहीं करूँ क्योंकि झुकने से गिर जाएगा, बट ये साइड पर नहीं गिरेगा। तो इस ये साइड हम मोबाइल को टक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से मोबाइल को टक कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि मोबाइल टकिंग है। देख सकते हैं, देख सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि मैंने मोबाइल को टक भी किया है और यहाँ पे हैंकी भी टक हो जाएगा। बहुत होता है कि हम लोग का घर रूम में फोन रह जाता है, किसी का फोन आता है तो हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो इससे अच्छा मुझे ऑप्शन लगता है कि मैंने मोबाइल को यहाँ टक टक कर ले रही हूँ और अपना काम कर ले रही हूँ और फटाफट से किसी का कॉल आ रहा है तो मैं रिसीव कर ले रही हूँ। 24/7 हमें मोबाइल को यहाँ टक करके नहीं रखना है क्योंकि हमेशा हमें ये ऐसा चीज़ है कि वाइब्रेट करता है जिससे हमारी बॉडी वो कुछ हार्मफुल ना हो जाए। तो जितने देर हम किचन में रहेंगे उतने देर ही अगर हमें टकिंग का जरूरत है, बाकी टाइम जरूरत नहीं है कि हम हमेशा टक करके रखें। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने टक कर लिया, है ना। सो
मेरे बाबू से मिल लीजिए, मेरे छोरों से मिल लीजिए, बेटा जी साहब मेरे मिले हैं, मेरे बाबू से मिले हैं, मेरा क्यूट सा छोरा से मिले हैं। ऐ बहुत बदमाश हो गया है, जैसे जैसे टाइम ले रहा हूँ, जैसे जैसे बड़ा हो रहा ना वैसे बदमाश हो रहा है, देख रहे हैं ना उसका बदमाशी, बहुत बदमाशी हो चुका है। सो चलिए चलते हैं, अभी बहुत सारे काम है तो फटाफट काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज बहुत सारा कपड़ा धोया, बहुत सारा कपड़ा धो के तब मैं नहाई थी, तो यहाँ पे वही कपड़ा सब सूख रहा था। राहुल जी का शर्ट्स मैं इतना, 6 शर्ट धोई थी, 3 जीन्स धोई थी, बाबू के जैकेट्स हो गया था, बाबू का पैंट्स था। जी तो आप सबको मैं दिखाती हूँ जो मेरा रूम बना है अभी। इसमें मतलब मैं एक रूम में, आपको पता है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा आंगन था और मैंने आपको एक वीडियो में भी दिखाया भी था, और यहाँ पे रूम बन रहा है, प्लास्टर हो चुका है और पेंट होना बाकी है, सो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं आप सबको दिखाऊंगी। ऐसा नहीं दिखाऊंगी, आधा अधूरा मैं नहीं दिखाना चाहती, इस वजह से नहीं दिखा रही हूँ। क्या करिए, घर का बहुत तकलीफ है, घर का बहुत दुख है। मतलब एक रूम में आदत तो नहीं था कभी ऐसे रहने का, एडजस्ट करने का, बट करना पड़ता है कभी कभी अपने लाइफ में। तो मैंने सोचा कि आंगन में एक रूम बनवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर मुझे एक ही रूम प्रोवाइड हो रहा था, तो मैंने कहा कि एक क्वार्टर अपना बनवा लेते हैं आंगन में, आंगन का स्पेस था ही बहुत। तो हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप बनवा सकती हैं, तो बस एक रूम का बनवा रहे हैं। एक रूम है बट बहुत ही सपोर्ट मिल जाएगा, बच्चे का पढ़ाई लिखाई आगे का है, अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं मेरा खुद का भी आशियाना हो जाएगा, जिसका सपना सोची थी वो हो जाएगा। पता नहीं कब होगा, होगा भी या नहीं, बट मैं हिम्मत नहीं हार सकती, बिल्कुल नहीं हार सकती, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हार सकती मैं, क्योंकि आप सब मेरे साथ हो ना, तो हिम्मत नहीं हार सकती। और बहुत अच्छा सा धूप आ रहा है ना, सो तो इस तरीके से मैं बाहर टहल रही थी। और आप लोगों को पता ही है कि मटन था तो मटन और चावल खाना था, बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का सिचुएशन ही नहीं था। और तो चलिए घर में चलेंगे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि इस बोरी में है क्या क्या रखा हुआ, क्योंकि काम चल रहा था घर का। तो अभी हो चुका है रात का टाइम, 7:30 हो रहा है, तो मैं सब्जी बना रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है एक छोटी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाल चुकी हूँ, तेल में मैंने गोभी को कट कर लिया है, इसको अच्छे से वाश कर लिया है, तो गोभी को कर लेंगे फ्राई। और आलू देख सकते हैं आप, आलू भी मैंने कट करके पानी में रखा है, आलू का मैंने छिलका नहीं हटाया है, छिलका वाला ही आलू का मैं सब्जी बनाऊंगी, बहुत टेस्टी होता है। तो उसको भी मैंने डाल दिया थोड़ा सा फ्राई एकदम कम तेल में, क्योंकि आजकल हमारा मतलब बहुत ज़्यादा बाहर बाहर का खाना हो जाता है ना, तो थोड़ा हम लोग एकदम कम तेल मसाला ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाना, हेल्थ के लिए कम तेल मसाला बहुत अच्छा होता है। उस साइड में चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि राहुल जी आ चुके थे तो उन्हें चाय पीना था, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी चाय बना दो क्योंकि उनको जाना था बाहर, तो मैं फटाफट चाय बना देती हूँ। और ये कप मेरा कैसा लग रहा है मुझसे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये कप काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, ऐसे तो मैं ब्लॉगिंग में पहली बार ये कप दिखा रही हूँ, बट बहुतों को पसंद आ रहा था। और इसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल के सबको अच्छे से फ्राई कर लिया है, बहुत शॉर्टकट वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, बट टेस्टी, यमी टेस्टी सब्ज़ी है। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया, ये ऑयल का जो बॉटल है जब मैं मुजफ्फरपुर गई थी बिग बाज़ार तो मैंने वहीं से लिया था, शायद 199 का मुझे ये बॉटल लिया तो हुआ था। तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, और जीरा डालने के बाद मैं डाल रही हूँ प्याज, और ये कैबेज है, बंदा गोभी थोड़ा सा था तो उसको मैंने डाल दिया, और इसको मैं करूँगी अच्छे से फ्राई। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैंने लहसुन को इसको, अब मेरा जो कुटनी है उसे मैं लहसुन को कूट दी हूँ, और यहाँ पर लहसुन देख सकते हैं, मैं इसमें लहसुन को डाल दूँगी। उसके बाद इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए एकदम पकाएँगे अच्छे से। मसाला मैंने मतलब कि पीसा नहीं है, ऐसी मसाला है मेरे पास, देख सकते हैं इसमें हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा मिक्स मसाला है, और थोड़ा सा 1 चम्मच वो मसाला डाल दिया है जो मैं घर का बनाती हूँ। उसके बाद मसाला सब फ्राई होने के बाद मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर, टमाटर डालने के बाद मैं नमक डाल दूँगी, और नमक डाल के ये सब मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। देख सकते हैं मेरा मसाला काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, नमक आप अपने स्वाद अकॉर्डिंग डालें, मैं ठीक टमाटर डालने के बाद नमक डाल देती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। उसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें जो भी फ्राई है सब्जी, फिर थोड़ा सा पानी, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने, मेरा दूध फट गया था तो मेरा
मेरे पास स्टॉक में छेना था, तो मैं सोची चलो इसमें छेना डाल देती हूँ। मैंने छेना डाल दिया तो बहुत ही टेस्टी सब्जी लगा था। तो चलिए गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने छेना डाल दिया है और ज़्यादा कुछ नहीं करना क्योंकि सारी सब्जियाँ फ्राई है। छेना डालने के बाद 3 to 4 मिनट्स को पकाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और इसमें धनिया पत्ती डाल लीजिए, थोड़ा सा बॉयल होने दीजिए, उसका सब्जी हो जाएगा रेडी। तो ये देख सकते हैं हमारे यम्मी डिलीशियस सब्जी हो चुका है रेडी। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ खाइए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।